नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी टेरियाडा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम और फेज 4 एग्जाम के लिए प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले 50-50 करके प्रश्न, टोटल 500 प्रश्न बिहार स्पेशल के करा चुके हैं। नहीं देखा हो तो अवश्य देख लीजिएगा, सारे प्रीवियस ईयर भी उसमें हमने कवर करा दिए हैं। और लास्ट वाला वीडियो साइड माई बटन वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मानव रोग और उपचार, ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पर अगर पीआरटी का पेपर उठा करके देखेंगे तो फेज 3 जो पेपर रद्द हो चुका है उसमें काफी प्रश्न आपके रोग से संबंधित आए थे। जैसे हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है, ये क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है, ये क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती, तो काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। प्रदूषण जनित विकार कौन सा है, फ्लोरोसिस। तो इसी को आधार में रखते हुए आज का ये हमने टॉपिक उठाया, मानव रोग और उपचार। तो फेज 3 में पूछे गए प्रश्न पर बेस्ड पर आधारित ये टॉपिक है, तो फेज 3 प्री एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सारे प्रीवियस ईयर भी आपके इसमें कवर होंगे, बीपीएससी जितने भी पेपर करवाता है। सबसे पहला प्रश्न है विषाणु के बारे में, इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका यहाँ पर पूछ रहा है, सही है। तो विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहते हैं, अपनी उपापचयी तंत्र होता है, सभी विषाणुओं में आरएनए डीएनए दोनों होता है, या विषाणु बाध्यकारी परजीवी है। तो सही कथन जो आपका है वो यहाँ पर डी वाला है, जो कि आपसे कह रहा है कि विषाणु बाध्यकारी परजीवी होते हैं। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी, अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं जो कि जीवित परजीवी के अंदर रह करके जनन करते हैं। जंतु विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः डीएनए और कभी कभी आरएनए भी होता है। पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। विषाणु की खोज आपको पता है इवानोवस्की ने की थी, तो इवानोवस्की का नाम आप याद रखिएगा, कब की थी, तो 1892 में जो है वो की थी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? प्राप्त प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा। पहली पंक्ति रक्षा किसे कहा जाता है ये पूछा गया था, तो जन्मजात प्रतिरक्षा को कहा जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को बीमारी से बचाती है। प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति ऐसी ढाल है जो कि रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। तो जन्मजात जो प्रतिरक्षा होती है उसको पहली पंक्ति रक्षा जो है वो कहा जाता है। अगला है, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के समकोण पर एक कोण पर समानांतर, कौन सा होगा? आंसर की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन देखेंगे 2023 में पूछा गया था, और ये चीज स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं कि जितने भी क्वेश्चन पेपर बीपीएससी कराता है सारे इसमें क्वेश्चन आपके कवर होंगे। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह अधः स्तर के साथ एक कोण पर जो है वो बैठती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अधः स्तर, जो कि डी वाले ऑप्शन में यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा था। बाकी मादा क्यूलेक्स का शरीर बैठने में आधार तल के समानांतर होता है, सूंड 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई होती है, जबकि मादा एनाफिलीज का शरीर बैठने में आधार तल से 45 डिग्री के कोण पर उठा हुआ होता है, इसका सूंड शरीर की सीध में होता है। अगला है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका इस प्रकार है, तो आपको बताना है आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर लिम्फोसाइट जो है वो यहाँ पर सही होगा। और क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वो तो आपको हमने पीआरटी का पेपर दिखाया था, परंतु साइंस के क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे जीके जीएस वाला पोर्शन देख लीजिए, तो सभी में कॉमन है, चाहे 6 से 8 का कोई पेपर दें या 9 से 10 या से 11 से 12 या तो पीआरटी। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका जो है वो आपका लिम्फोसाइट्स है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका, ये शरीर में उपस्थित सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमण और अन्य वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। लिम्फोसाइट जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, टी सेल, बी सेल और एनके सेल, ये बेसिकली 3 टाइप होते हैं। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं शरीर के एंटीबॉडी के निर्माण के लिए सहायक होती हैं। टी कोशिकाओं का यूज कैंसर कोशिकाओं को मारने में होता है और एनके कोशिकाएं प्राकृतिक हत्यारे होती हैं। तो हो सकता है इनमें से किसी एक के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप तीनों को एक एक लाइन के तौर पर याद रख सकते हैं। अगला है, इनमें से जोड़ों में से कौन सा है जो कि सही सुमेलित है आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया। स्कर्वी, थायमीन, ट्यूबरकुलोसिस, एटीएस, टिटनेस,
मलेरिया, क्लोरोक्विनिन, तो आपसे पूछा गया है कौन सा यहाँ पर सही है। सही जो आपका है वो यहाँ पर डी वाला है, मलेरिया वाला। बाकी स्कर्बी वाला, विटामिन सी, एस्कार्बिक एसिड हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस बीसीजी हो जाएगा, टिटनेस एटीएस हो जाएगा, और मलेरिया जो था वो क्लोरोक्विन जो ऑप्शन दिया गया था वो बिल्कुल सही था, गुनैन और पैलोड्रीन आदि। बाकी ये तो पता ही आपको, विटामिन सी की कमी से स्कर्बी रोग होता है, बीसीजी टीका लगता है टीबी के लिए, कुल मिलाकर उसी से संबंधित पूछा गया था। आंसर यहाँ पर आपका मलेरिया वाला हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सही जो मेरे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, कि किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? लिस्टर कोच या फिर एली एडवर्ड जेनर? आंसर आपका एडवर्ड जेनर जो है वो सही होगा। इन्होंने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 1796 में चेचक के टीके का आविष्कार किया था। कथन कुछ दे रखे हैं, आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। स्वाइन फ्लू एक श्वास रोग है जो सुअरों की श्वास नली को संक्रमित करने वाले कीटाणु से होता है। H1N1 इन्फ्लुएंजा बी कीटाणु का एक उपप्रकार है जो कि मानवों में इन्फ्लुएंजा का मुख्य कारण है। तो ये दो जो कथन दिए गए हैं, पूछा गया है कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या फिर दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। आंसर यहाँ पर आपका ए वाला, केवल पहला सही है, ये जो है सही होगा। स्वाइन फ्लू मानव श्वसन तंत्र को संक्रमित करने वाला इन्फ्लुएंजा ए प्रकार का वायरस है जो सुअरों के श्वास नली को संक्रमित करता है, और ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित सुअरों के संपर्क में आते हैं उन्हें स्वाइन फ्लू हो सकता है। स्वाइन फ्लू जो होता है मुख्यतः H1N1 वायरस से होता है, और यहाँ पर इन्फ्लुएंजा बी कीटाणु का एक उप प्रकार लिखा था वो नहीं होगा, क्योंकि ये वायरस इन्फ्लुएंजा ए प्रकार का वायरस है, तो इसलिए आपका सेकेंड वाला ऑप्शन वहां पर गलत हो जाएगा। बाकी H1N1 ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, या पैरासीटामोल, या फिर सल्फाडाइजिन? आंसर आपका ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से एक से अधिक। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मारने में हेल्प करता है, और इसका यूज कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणुओं के कारण अगर संक्रमण हो जाता है तो उसके इलाज के लिए होता है। बाकी पेनिसिलियम, सल्फोनामाइड, क्विनोलॉन्स, ऑक्सा जोलाई, डिनोसेंसेस इत्यादि कृत्रिम एंटीबायोटिक हैं जिनका यूज औषधीय रसायन विज्ञान में किया जाता है। एस्पिरिन जो कि ऑप्शन में ऊपर दिया ही गया था, जिसे एसिटा एसिटा सैलिसाइलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और हल्के दर्द वगैरह से छुटकारा देने में ये हेल्प करता है, और पैरासीटामोल तो जानते ही, दर्द निवारक और ज्वार नाशक है। तो कुल मिलाकर के इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन यहाँ पर है जो कि एंटीबायोटिक है। निम्न में से एंथ्रेक्स बीमारी किसके द्वारा फैलाई जाती है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, शैवाल? आंसर आपका जीवाणु जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। विषाणु जनित रोग में आपको पता है रेबीज आता है, खसरा आता है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, चेचक है, और जीवाणु में अगर बात करें तो यहाँ पर क्षय रोग के अलावा एंथ्रेक्स आपको देखने को मिलता है। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। प्लेग भी है, कोढ़ भी है, सब जीवाणु। शैवालों से होने वाले रोग में लाल किट्टू रोग पादप रोग है, लाल किट्टू रोग, और माइकोप्लाज्मा तनजनित रोग में पपीते का बंची टॉप, केले का लिटिल लीफ रोग, ये सब आपको देखने को जो है वो मिलते हैं। अगला है, मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस बीमारी के भी वाहक होते हैं? डेंगू बुखार, हाथी पाव, मस्तिष्क ज्वर, पीला बुखार, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर हाथी पाव फाइलेरिया जो है वो सही होगा। मादा मच्छरों के काटने से हाथी पाव फाइलेरिया, डेंगू, मलेरिया, जीका, ये सब बीमारियां होती हैं। हाथी पाव को लिम्फेटिक फिलारियासिस या फिर एलिफेंटाइसिस या फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। देखा होगा आपने, हाथ जो पैर होते हैं वो एकदम हाथी पांव हो जाते हैं, तो इस रोग का कारण फाइलेरिया बोन क्राफ्टी नामक जीव कीटाणु होता है, और इसका वाहक जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है। ये क्यूलेक्स मच्छर ज्यादातर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा हाथी पांव जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के कारण जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंतों के रोगी के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन एक्स किरण जो है वो सही हो जाएगा। आंतों के रोगी के निदान में एक्स किरण का यूज किया जाता है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? विलियम और रॉन्टजन जो है इनके द्वारा जो है वो की थी।
और शल्य क्रिया, एक्स किरण चिकित्सा, व्यवसाय, बहुत जगह अलग अलग जगह यूज किया जाता है। अल्फा किरण जो है उनका यूज कहाँ होता है, तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदलने के लिए जो है वो यूज में लाया जाता है। बाकी जो पूछा गया था आंतों के रोगों के निदान में, तो एक्स किरण का यूज जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एस्पिरिन जो है वो क्या है, ये ऊपर बता चुके हैं कि ये एक प्रकार का एंटीपायरेटिक यानी कि ज्वर नाशक कृत्रिम औषधि है, यूज इसका बुखार, सिर दर्द इन सब यूज में लाया जाता है। इस लाइन को याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा आविष्कृत पेनिसिलिन पहला प्रतिजैविक औषधि है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो अभी ऊपर आपने देखा भी ऑप्शन में, उसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोनों प्रतिजैविक हैं, ऑप्शन बी जो लिखा है सल्फा टू आयनिडीन और आपका दूसरा क्लोरो क्लोरैम्फेनिकॉल, ये दोनों के दोनों आपके प्रतिजैविक हैं, औषधियां हैं, इसीलिए आंसर इनमें से एक से अधिक आपके यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका यूज लोगों को का सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, कीटाणु नाशक, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, मलेरिया रोधी, आंसर कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, कीटाणु नाशक का प्रयोग लोगों का सीधे तौर पर उपचार करने के लिए जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, मलेरिया रोधी इन सब का यूज आप जो है वो कर सकते हैं। कीटाणु नाशी वे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करते हैं और जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनका यूज त्वचा पर जो है वो नहीं किया जाता। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है, MERS या SARS या दोनों, या दोनों में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा दोनों। MERS मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और SARS यानी SARS सेवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये दोनों के दोनों आपको देखने को मिलते हैं। कोविड वायरस से, कोरोना वायरस से ही दोनों जो है वो संबंधित है। बाकी इसमें जो लक्षण देखने को मिलते थे, नाक बहना, खांसी, गले में दर्द, बुखार, यही सब देखने को मिलते थे, और इसकी जो शुरुआत थी वो चाइना से देखने को मिली थी। निमोनिया एक संक्रमण है तंत्रिका, रक्त, त्वचा, फेफड़े, निमोनिया पूछा भी काफी जाता है, आंसर आपका हो जाएगा ये फेफड़ों से संबंधित है। फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया वायरस कवक से होता है, इसमें संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ, छींक, खांसी, ये सब जो है वो होती है। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक इनमें से जो है क्या है, चींटी, मक्खी, ड्रैगन फ्लाई, मकड़ी, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक के रूप में मक्खी जो है आपका सही हो जाएगा। आपको याद होगा तो संक्रामक रोगों से एक क्वेश्चन आया भी था जहां पर ये पूछा गया था कि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन से आपका मनुष्यों में पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं, पशुजन्य बीमारी, संक्रामक बीमारी, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन इस तरीके के करा रहे हैं जो बेस पर क्वेश्चन पूछे गए। तो संक्रमण रोगों का सबसे आम वाहक घरेलू मक्खी है। मक्खियां अपने पैरों और मुंह पर रोगजनक को इकट्ठा करती हैं। जब मादाएं विघटित कार्बनिक पदार्थ जैसे मल, कचरा और जानवरों के सबों पर अंडे देती हैं, घरेलू मक्खियां अपने पैरों पर और अपने शरीर को ढकने वाले बालों पर रोग वहन करती हैं, तो इन रोगजनक को या छुई हुई सतहों पर स्थानांतरित करने में उन्हें केवल कुछ सेकंड का टाइम जो है वो लगता है। इनमें से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक दवा जो है वो नहीं है, कोकेन, मार्फिन, हेरोइन या पेनिसिलिन? आंसर आपका पेनिसिलिन सही हो जाएगा क्योंकि एक एंटीबायोटिक दवा है, जबकि कोकेन, मार्फिन और हेरोइन ये सब मनोवैज्ञानिक दवा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मनोवैज्ञानिक में क्या क्या आती है, कोकेन है, मार्फिन है, हेरोइन है, तो बेसिकली नशा से संबंधित हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, टीकाकरण की कल्पना जो है इनमें से किसने की थी, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन, डार्विन, कौन सा सही होगा? टीकाकरण की कल्पना एडवर्ड जेनर ने जो है वो की थी, और इन्होंने चेचक के टीके की खोज 1796 में की थी एडवर्ड जेनर ने। इनमें से कौन सी बीमारी यौन संचारिता नहीं है आपसे पूछी गई है, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, एचआईवी एड्स, गोनेरिया, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका हेपेटाइटिस जो है वो सही होगा। हेपेटाइटिस एक प्रकार का वायरल बीमारी है जो कि यौन संचरित आपका होती है। अच्छा, हेपेटाइटिस से भी क्वेश्चन आया था याद होगा, तो उसमें पूछा गया था कि कौन सी बीमारी है जल जनित है, कि भोज्य पदार्थों से होती है, किससे फैलती है, बेसिकली ये पूछा गया था। तो ये जो बीमारी है इसमें यकृत कोशिकाओं में सूजन आ जाती है और यकृत में सूजन का कारण पीलिया
पीलिया, बुखार, उल्टी आदि ये सब जो है वो हो सकता है। और हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, पेपर भी साइड में है, वो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन अभी आया था ना, कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो संक्रामक बीमारी, तो ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था, टॉपिक पे जो हमने जो है अभी ऊपर क्वेश्चन कराया था। और ये देखिए हेपेटाइटिस वाला क्वेश्चन आया था, हेपेटाइटिस ए को लेकर पूछा गया था कि हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है, भोजन, जल, वायु, तो इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए को बेसिकली पूछा गया था, इसीलिए आपसे हम कह रहे हैं कि डेली डेली चीजों को याद अवश्य करते रहिएगा ताकि एक साथ बोझ ना पड़े। बाकी 500 क्वेश्चन अब तक करा चुके हैं बिहार स्पेशल के, वो नहीं रटे हो जरूर रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लाइक भी जरूर करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? उष्मा का प्रयोग किया जाता है उपचार के लिए, रसायन का या प्राकृतिक अभिकर्मक का, कौन सा सही होगा? आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, रसायन का यूज किया जाता है। कीमोथेरेपी एक औषधि उपचार है जो कि कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कीमोथेरेपी में उपचार के लिए रसायन को नस या मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है, इसमें विकिरण का यूज भी होता है। तो बेसिकली रसायन जो है, एक लाइन में अगर याद करना चाहते हैं तो रसायन का यूज किया जाता है। अगला है थैलेसीमिया, एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को, फेफड़े को, हृदय को, वृक्क को, कौन सा सही होगा? तो थैलेसीमिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपका रक्त जो है वो सही हो जाएगा। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है और रक्त को प्रभावित जो है ये करता है। और अगर बात करते हैं इस रोग का कारण, तो इस रोग के कारण हीमोग्लोबिन निर्माण कार्य में अनियमितता देखने को मिलती है और रोगी व्यक्ति को बार बार अलग से ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ये रोग आनुवंशिक होने के कारण कई नई नई जो पीढ़ी है उसको भी प्रभावित कर सकने में सक्षम होता है। म्यूटेशनल एनालिसिस जांच कराकर इसका पता लगाया जा सकता है और चिकित्सीय परामर्श के अनुपालन से भी इससे बचा जा सकता है। तो ये आपका थैलेसीमिया। अगला है क्वेश्चन आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसकी संक्रामक अवस्था जो है वो आपकी होती है ट्रैफिक टाइप, परिपक्व पुटी, स्पोरोजाइट या फिर माइन्यूटा प्रकार, कौन सा सही होगा? आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर परिपक्व पुटी एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था जो है ये होती है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा संक्रमण होने से हल्के या गंभीर दोनों तरीके के लक्षण दृष्टिगत होते हैं। इनमें पेट दर्द, दस्त, खूनी दस्त शामिल हो सकते हैं। इसमें ऊतकों के क्षय की वजह से आंत में सूजन भी आपको देखने को मिल सकती है। यदि ये परजीवी आंत तक पहुंच जाते हैं तो यकृत में विकार उत्पन्न होने की संभावना प्रबल हो जाती है। स्वच्छता और टीकाकरण इससे बचाव का सरलतम उपाय है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए जो है वो किया जाता है? छोटी चेचक, टाइफाइड, क्षय रोग, प्लेग, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर क्षय रोग जो है वो सही होगा। क्षय रोग एक आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है। माइक्रोबैक्टीरिया आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों पर जो है वो हमला करता है लेकिन शरीर के अन्य भागों में भी प्रभावित करता है। इस बीमारी की 2011 में एकमात्र उपलब्ध वैक्सीन थी बैसिलस कालमेट क्यूरिन, जिसको हम कहते हैं बीसीजी। देखा होगा बीसीजी के टीका लगते हैं तो, जो कि बचपन में रोग पर प्रभावी है और फेफड़ों को टीबी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। इसी की एक नई दवा भी है विलिसन, जो कि क्षय रोग की नवीनतम दवा है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है किससे होता है, किसको प्रभावित करता है और इसके लिए क्या जो है वो टीका है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, हाइपर थायराइडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व इनमें से कौन सा है? कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, आयरन 59, गोल्ड 198, आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन 131। तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसके लिए रेडियो सक्रिय तत्व का नाम है आयोडीन 131। और जब थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन बनाने लगती है तो शरीर ऊर्जा का उपयोग मात्रा से अधिक करने लगता है, इसे कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म, जो कि पूछा गया था। ये बीमारी किसी भी आयु में हो सकती है, महिलाओं में पुरुषों के अनुपात से ये बीमारी 5 से 8 गुना अधिक पाई जाती है। इस बीमारी के लक्षण में घबराहट, चिड़चिड़ापन, पसीने में वृद्धि, हाथ कांपना, चिंता, नींद आना, मांसपेशियों में दर्द, ये सारे लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये इसके लिए उपयोग किया जाने वाला जो रेडियो सक्रिय तत्व है उपचार के लिए जो यूज किया जाता है वो आयोडीन 131 यूज में जो है वो लाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधे प्रश्न 25 हम कर चुके हैं, हमने स्टार्टिंग बताया था 50-50 क्वेश्चन करा रहे हैं और इस वीडियो में भी हम आपको 50 प्रश्न कराएंगे। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे कि
किसी ने कमेंट में कहा था कि पीडीएफ के लिए हमने पहले भी आपको बताया कि हम एक लाइक का टारगेट रखते हैं। जैसे इस वीडियो के लाइक का टारगेट 200 लाइक का है, 200 लाइक कंप्लीट होते ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम आपको भेज देंगे। थोड़ी सी मेहनत हम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत, मैं थोड़ी तो नहीं कर रहे, मेहनत तो ज़्यादा ही कर रहे हैं, पर थोड़ी सी मेहनत आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लाइक सभी लोग जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ अगले। तो अगला प्रश्न है, सिस्टिटिस एक संक्रमण है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका यहाँ पर मूत्राशय जो है वो सही हो जाएगा। ये संक्रमण से संक्रमित मूत्राशय में सूजन, लालिमा और जलन होने लगती है। ये संक्रमण बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसे यूटीआई कहते हैं, मूत्र पथ संक्रमण। कुछ इस प्रकार की दवाओं से प्रतिक्रिया से रेडिएशन थेरेपी, फेमिनाइन हाइजीन स्प्रे, लंबे समय से कैथेटर का इस्तेमाल करने से भी ये आपका सिस्टिटिस जो संक्रमण है वो हो सकता है। उपचार के लिए क्या होता है? एंटीबायोटिक दवाएं हैं, अन्य चिकित्सीय परामर्श है, ये भी देखने को आपको मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि पीलिया एक संक्रामक रोग है, इनमें से किससे जो ये फैलता है? जल, वायु, मिट्टी, त्वचा। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन हेपेटाइटिस ए से पूछा गया था, ऐसे यहाँ पर पीलिया को लेकर के बिहार एपीओ प्री में पूछा गया था। तो आंसर की अगर बात करते हैं तो जल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पीलिया एक घातक रोग है जो कि जल के द्वारा फैलता है, और वायरल हेपेटाइटिस या जॉइंडिस को साधारणतः पीलिया के नाम से जो है वो जाना जाता है। बुखार रहना, भूख न लगना, जी मिचलाना, सिरदर्द, ये सारे इसके जो है वो लक्षण आपको देखने को जो है वो मिलते हैं। इसी को जॉइंडिस के नाम से भी जानते हैं, साधारणतः पीलिया के नाम से भी जानते हैं। शरीर में लौह की कमी होने से जो है वो क्या होता है? रक्तालता होता है, स्कर्वी होता है, हड्डियों में दुर्बलता है, त्वचा के रोग है, कौन सा सही होगा? लोहे की कमी से आपका होता है रक्तालपता। रक्तालपता का मतलब होता है रक्त की कमी। लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाले एक पदार्थ रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से जो है आपका रक्तालपता होता है। हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी, हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है, इसका काम है। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त जो कि कोशिकाएं उसमें मौजूद लौह युक्त प्रोटीन होता है। शरीर में लौह की जो मात्रा होती है वो 20 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक अगर है तो शरीर में हीमोक्रोमेटिक रोग आपका जो है वो हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को, रीढ़ की हड्डी को, शरीर के जोड़ को, आंत को। आंसर हो जाएगा आपका आंत। तो आंत जो होता है वो आपका ज्वर साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये टाइफाइड का है जो जीवाणु का नाम लिखा हुआ है, इसी को ही आंत ज्वर जो है इसी को टाइफाइड, इसको एंटीबायोटिक दवाइयों से रोका जाता है। सामान्यतः आंत ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को लगातार 103 से 104 डिग्री फॉरनहाइट तक बुखार देखने को जो है वो मिलता है। कमजोरी, पेट में दर्द, सिर दर्द, भूख कम लगना, लक्षण ये सब आते हैं। आंतों में बुखार रहता है, अगर समय से उपचार ना हुआ तो आंतों में छेद होने की संभावना बनी रहती है। दूषित पानी से ये होता है, संक्रामक बीमारी एक टाइप की, इसी को मियादी बुखार भी कहते हैं। जो प्रश्न में जो पूछा गया था ना, वो पूछा गया था किसको प्रभावित करता है? आंत को। दूसरी चीज पूछी जा सकती है किससे फैलता है, तो दूषित पानी से टाइफाइड आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी टीकाकरण किसके लिए होता है? खसरा, यक्ष्मा, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग। आंसर आपका हो जाएगा यक्ष्मा, जिसको हम टीबी के नाम से जो है वो जानते हैं। यक्ष्मा कह लीजिए, क्षय कह लीजिए, तो बीसीजी टीका आमतौर पर बच्चों को टीबी के प्रसारित रूपों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एड्स किसके कारण होता है? हेलमेंथे, जीवाणु, कवक, विषाणु। आंसर कौन सा सही होगा? तो ये विषाणु से आपका जो है वो होता है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। और फुलफॉर्म की अगर बात करें तो एड्स की होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जिससे शरीर की प्रतिरक्षी क्षमता अत्यंत प्रभावित होती है। इस रोग का कारण होता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये आपका विषाणु है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कान, मस्तिष्क, आंख या पेट। तो अल्जाइमर आपने सुना होगा कि मस्तिष्क से संबंधित होता है, मानव शरीर का मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर में होता क्या है, याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण दिमागी काम करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। दिमाग के कोशिकाओं का एक दूसरे से जुड़ाव और खुद कोशिकाओं के कमजोर और खत्म होने की वजह से याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण दिमागी काम करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इनमें से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दवा, दमा, कौन सा सही होगा? आंसर आपका यहाँ पर डेंगू जो है वो सही होगा। डेंगू रोग जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है। ये एक डेंगू विषाणु से होने वाली आपकी बीमारी है। एडीज एजिप्टी नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलता है।
डेंगू एक तरीके का वायरल बुखार होता है जिसमें लक्षण देखेंगे तो बुखार अचानक से आ जाना, हड्डियों में दर्द, जी घबराना, उल्टी आना, शरीर पर खून के चकत्ते, खून की सफेद कोशिकाओं में कमी, सिर में आगे की ओर तेज दर्द, ये सभी इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन देखेंगे तो लक्षणों से बनते तो नहीं है, इसलिए ज्यादातर प्रभावित होने वाला अंग और किससे फैलता है इसको जरूर रटिएगा। बाकी एक नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है उसको लेकर के भले याद रख सकते हैं क्या क्या लक्षण होते हैं। अगला, इनमें से कौन सा रोग जो है कैंसर नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? ल्यूकेमिया, ग्लूकोमा, कार्सिनोमा, सरकोमा। आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आंखों की एक गंभीर बीमारी है। इसे अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आंख के कार्निया के पीछे सिलियरी टिश्यूज होते हैं जिनसे ह्यूमर जो तरल पदार्थ है वो बनता रहता है और बाहर निकलकर पुतलियों से होता हुआ आंख के भीतरी हिस्से में जाता है जिससे आंखों में नमी बनी रहती है और स्वस्थ रहती है। लेकिन ये प्रक्रिया जब ठीक से काम नहीं करती है तो आंखों पर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने लगता है जिससे आंख के सिलेरी टिश्यूज भी डैमेज होने लगते हैं और मस्तिष्क को विजुअल सिग्नल भेजने वाले आंखों की ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचने लगता है और दृष्टि क्षमता कमजोर होने लगती है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ग्लूकोमा की, आंखों की एक बीमारी है। और इसमें जो मेन बेसिकली बात है तो एक तो ये बात लिखी है, दूसरा ये बात लिखी है कि भेजने वाली ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है और सिलेरी टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं, दृष्टि क्षमता कमजोर होने लगती है। ल्यूकीमिया जो होता है वो रक्त कैंसर का एक प्रकार होता है जो कि ऊपर ऑप्शन में दिया गया था। कार्सिनोमा जो होता है वो उपकला कोशिकाओं में सबसे आम प्रकार का कैंसर है। सरकोमा जो होता है वो हड्डी और नरम ऊतकों से बना कैंसर का एक टाइप है। ये बाकी ऑप्शन की जानकारी दी गई है। बाकी जो आंसर हो जाएगा वो आपका ग्लूकोमा जो हो जाएगा, जो कि कैंसर नहीं होता है, ग्लूकोमा आंखों से रिलेटेड होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित जो है आपका नहीं है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। रेटिनॉल है, टोकोफेरॉल है, साइनोकोबाल्मिन है, ये सब जो आपके दिए हैं ना ये विटामिन के रासायनिक नाम है और सामने उससे संबंधित रोग दिए गए हैं कि कौन सा इससे संबंधित है, तो गलत आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं कौन सा सही नहीं है, तो आंसर यहाँ पर टोकोफेरॉल जो लिखा हुआ है बेरी बेरी, ये आपका गलत है क्योंकि टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से तंत्रिका संबंधी रोग आपका जो है वो होता है। इसकी कमी से यानी विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति क्षमता कम हो जाती है, जबकि बेरी बेरी की अगर बात करते हैं तो बेरी बेरी आपका विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से जो है आपका ये होता है। साइनोकोबालमिन की अगर बात करते हैं तो वो उसकी कमी से एनीमिया और पांडू रोग आपका हो जाता है। और अगर बात करते हैं आपका अगला आर्गो कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में जो है वो हो जाता है। तो बाकी सभी जो लिखे हैं उनको भी रटा आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी जो गलत जो था वो आपका था बी वाला टोकोफेरॉल बेरी बेरी, वो आपका यहाँ पर गलत था। बाकी इसकी एक ट्रिक होती है रथ पर एक टॉफी, उससे भी सारे रासायनिक नाम याद रख सकते हैं, पिछले वीडियोस में कई बार बता चुके हैं तो देखा होगा तो याद होगा। अगला है टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के, कौन सा? तो टाइफाइड आपका हो जाएगा जलजन्य रोगों के, ऊपर आया था क्वेश्चन पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया था, यहाँ पर क्वेश्चन अलग से दिया गया है। बाकी साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये रोग दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों के खाने से जो है ये होता है। हैजा जो होता है उसकी अगर बात करते हैं तो वो आपसे पूछा जा सकता है। हैजा या कॉलरा विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है जो कि जल, खाद्य पदार्थ और मक्खियों द्वारा जो है ये फैलता है। और टाइफाइड और जो कॉलरा यानी हैजा जो है वो जल जनित बीमारी में आपका जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, इनमें से कौन सा वो रोग है? तो कौन सा ज्यादा रोग हो जाएगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 6 रोग जो है यहाँ पर आंसर दिया गया। अगला है, वैसे तो ये बहुत पहले पूछा गया 1995 में, अब तो टीका वगैरह लगते हैं तो फिर इतना नहीं है। अगला है मलेरिया के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर सही नहीं है? तो परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, क्लोरोक्विनोन का यूज होता है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, ये परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ये आपका यहाँ पर जो था वो गलत है। क्यों? क्योंकि मलेरिया आपका एक परजीवी रोगाणु से होता है, परोपजीवी नहीं होता है, जिसे प्लाज्मोडियम का नाम जो है वो दिया जाता है। ये रोगाणु एनाफिलीज जो मच्छर है उसमें होते हैं, जिनके काटने पर ये रोगाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। मलेरिया में लक्षण आप जानते हैं, तेज बुखार, पसीना, सिरदर्द, थकान, जी मचलाना, ये सब देखने को मिलते हैं। दलदली क्षेत्रों में ये बीमारी ज्यादातर होती है। इलाज में क्लोरोक्विनोन का यूज जो है वो किया जाता है। अगला,
39 प्रश्न, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? छोटे मच्छर, काले मच्छर, पैरासाइट वाले मच्छर, सफेद मच्छर। आंसर आपका सी हो जाएगा, पैरासाइट वाले मच्छर। तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोवा से होते हैं, और प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिससे वो अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचा देता है। इस रोग में ठंड के साथ बुखार आता है, आरबीसी नष्ट हो जाती है, रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इस रोग के उपचार में क्विनाइन है, क्लोरोक्विनोन है, प्रीमा क्वीन है, ये सब औषधियां यूज में लाई जाती हैं। तो मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? छोटे मच्छर, काले मच्छर, सफेद मच्छर, ऐसे क्वेश्चन था, तो पैरासाइट वाले मच्छर सही हो जाएगा। पोलियो की बूंद किस उम्र में दी जाती है? दे सकते हैं 1 साल, 10 साल, 50 साल, 70 साल। तो आंसर 1 साल हो जाएगा, ये तो सभी को ही पता है। और इसका जो प्रभाव होता है, इस रोग का प्रभाव होता है, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जो है वो पड़ता है। जो पोलियो वैक्सीन है, इसी को बचाने के लिए दी जाती है। सबसे पहले जोनास साल्क ने 1952 में पोलियो वैक्सीन की खोज जो है वो की थी। अल्बर्ट साइबिन ने 1962 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज जो है वो की थी, और आसान बना दिया था इसको ज़्यादा। पोलियो वैक्सीन 2 माह से लेकर 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों तक को पिलाई जाती है। 2 माह से 5 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न नंबर 41, वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है इनमें से? टाइफाइड, कॉलरा, सामान्य जुकाम, टिटनेस। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सामान्य जुकाम, टिटनेस बैक्टीरिया, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु, कॉलरा बैक्टीरिया, सामान्य जुकाम वायरस। ऑप्शन जो दिए गए उसी की बात की गई। गलसुआ नामक बीमारी इनमें से किसके द्वारा होती है? फफूंद, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। गलसुआ नामक जो बीमारी होती है वो आपका विषाणु से होती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है उनकी भी बात कर लेते हैं। विषाणु जनित रोग इधर दिए हैं, जीवाणु जनित रोग इधर दिए हैं, और इनको आपको रटना पड़ेगा। विषाणु में रेबीज है, खसरा है, मेनिनजाइटिस है, हेपेटाइटिस है, गलसुआ है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, चेचक है, छोटी माता। जीवाणु में टिटनेस, गोनोरिया, निमोनिया, क्षय रोग, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, हैजा, कोड, सिफिलिस। इनकी ट्रिक भी होती है, सर्च कीजिएगा गूगल पे, जीवाणु की ट्रिक और विषाणु की ट्रिक आपको मिल जाएगी, उससे भी याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि रटे। अगला है, इनमें से कौन सा रोग है जो कि विषाणु द्वारा नहीं फैलता है? एड्स, खसरा, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका डिप्थीरिया जो देख रहे हैं ये जो है वो सही होगा। डिप्थीरिया प्लेग, टिटनेस आदि जीवाणु से होने वाला रोग है, जबकि एड्स, खसरा, रुबेला, इन्फ्लुएंजा ये सब आपके विषाणुओं से होने वाले रोग हैं, तो दोनों में अंतर है। अगला है, हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल जो है वो कितना होता है? 42 से 56 दिन होता है, 30 से 180 दिन होता है, 15 से 20 दिन होता है, या 1 सप्ताह। आंसर की अगर बात करते हैं तो 30 से 180 दिन आपका हेपेटाइटिस विषाणु जनित एकत्रित रोग है। इसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है, और ये वायरस रक्त द्वारा, असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा, दूसरों के उपयोग की जाने वाली सुई, संक्रमित माता द्वारा नवजात शिशु में हस्तांतरित होता है। उद्भवन काल प्रश्न में पूछा गया था 30 से 180 दिन। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कितनी होती है? तो ये होती है, कौन सी होती है पूछा गया, तो परिपक्व पुटी जो देख रहे हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रामक अवस्था जो है प्रश्न में पूछा गया था। संक्रमण दूषित भोजन या पानी द्वारा होता है। इसके संक्रमण से होने वाले रोग को अमीबिक पेचिस के रूप में जाना जाता है। इस रोग के सामान्य लक्षण पेट दर्द, दस्त या खूनी दस्त। तो मेन बेसिक पेचिस का जो होता किसके थ्रू है, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू जो है वो होता है। अगला है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गंधक या वसा। तो जाहिर सी बात है, वसा नहीं लेना चाहिए, मोटापा बढ़ाता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। दिल में खून का प्रवाह करने वाली धमनियों में वसा जमा होने लगता है, वही मेन कारण होता है। अगला, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? एस्पिरिन है, पैरासिटामॉल है, क्लोरोक्विनिन है, पेनिसिलिन है। आंसर आपका पेनिसिलिन सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर करा चुके हैं। इसका उपयोग कवक, प्रोटोजोवा, जीवाणु के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन एक टाइप की एंटीबायोटिक दवा है, खोज इसकी हुई थी 1928 में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पैरासीटामॉल और एस्पिरिन दर्द निवारक दवाएं हैं, और जो क्लोरोक्वीन है इसका यूज मलेरिया बीमारी के उपचार में जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का यूज किया जाता है, MRI में किसका यूज नहीं होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का, एक्स किरणों का, रेडियो तरंगों का, गामा किरणों का, किसका यूज इसमें नहीं होता है? आंसर की अगर बात करते हैं तो एक्स किरणों का यूज जो है वो MRI में नहीं होता है। फुल फॉर्म होती है MRI की, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित इमेजिंग तकनीक है, जिसका यूज रेडियोलॉजी में शरीर रचना और शरीर की शारीरिक
जो प्रक्रियाएं हैं उनके चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र, ग्रेडियंट और रेडियो तरंग का यूज करते हैं। एमआरआई में एक्सरे या आयनिक विकिरण का यूज जो है वो नहीं करते हैं। अगला है, भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यता पाए जाने वाले रोग कौन से होते हैं? फाउल पॉक्स, टिक बुखार, रानीखेत या कोराइजा। आंसर आपका रानीखेत जो है वो सही होगा। रानीखेत विषाणु से होने वाला रोग है, भारत में मुर्गी पालन के अंतर्गत पाई जाने वाली जो मुर्गी होती है उनको होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम ईईजी इनमें से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय, यकृत, अग्नाशय, मस्तिष्क, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका डी, मस्तिष्क जो है वो सही होगा। ईईजी का यूज मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। ईसीजी का जो यूज होता है वो आपका हृदय की गतिविधि की जांच के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो कहते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट जिसे एक हेपेटिक पैनल के रूप में भी जाना जाता है, ये रक्त परीक्षण का एक समूह है। लीवर फंक्शन टेस्ट रक्त परीक्षण का समूह जो रोगी के लीवर की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। तो 50 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। एक प्रश्न आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहेगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जरूर बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ जाइएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हम आपको वहां पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। 51 प्रश्न आपके लिए है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है डायलिसिस, दूसरा है हेमोलिसिस, ऑस्मोसिस, तीसरा और चौथा है पैरालिसिस। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। बाकी इसी प्रकार आगे भी प्रश्न की प्रैक्टिस कराते रहेंगे और कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।